ऊना में दो नवजात बच्चों की मौत के मामले को लेकर बच्चों के परिजनों में निजी अस्पताल के बाहर इलाज में कोताही बरतने के मामले को लेकर रोष प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे को इलाज में डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उनके बच्चे की मौत हो गई है। अगर डॉक्टर समय रहते उनके बच्चों को आगे रेफर कर देते तो शायद उनका बच्चा बच सकता था। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने के भी आरोप लगाए। ऊना में दो नवजात बच्चों की मौत के मामले को लेकर बच्चों के परिजनों ने निजी अस्पताल के बाहर इलाज में कोताही बरतने के मामले को लेकर रोष प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों के इलाज में डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उनके बच्चों की मौत हो गई है। अगर डॉक्टर समय रहते उनके बच्चों को आगे रेफर कर देते तो शायद उनका बच्चा बच सकता था। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का भी आरोप लगाया। वहीं एक और पीड़ित परिवार द्वारा डॉक्टर पर उनके बच्चे की मौत के बाद रेफर किए जाने का आरोप लगाया गया, जबकि पीजीआई ने जाते ही बता दिया था कि आपके बच्चे की मौत 6 घंटे पहले हो चुकी है। परिवार का आरोप है कि बच्चे की मौत हो जाने के बाद भी उसे रेफर किए जाना खुद बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मृतक बच्चों के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालत खराब होते देख मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस को इस मामले के संबंध में कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। वजह हमारा बेटा इनकी वजह से एक्सपायर हो गया। इन्होंने उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया, सिर्फ बिल पे पैसे लेने के लिए ही दुकान खोल रखी है इन्होंने लोगों ने। हमारा बेटा जो इनकी वजह से गया, इन्होंने एक्स्ट्रा ब्लड उसको चढ़ा दिया, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया। अगर हमें पहले ही बता देते कि आपके बेटे में ऐसी हमारे पास इसका इलाज नहीं, आप चंडीगढ़ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन हमारे पास इलाज नहीं है तो हम उसको ले जाते। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से उसको रेफर किया। जब वो कगार पे पहुंच गया एक्सपायर होने पे, तब इन्होंने अपने हाथ से बोला कि आप ले जाओ। उसका कोई इन्होंने हिसाब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, पूरा बिल इतना पैसा दे दो, इतना जमा करवा दो, हमने उसके हिसाब से पैसा जमा करवाते रहे। आज जब बेटा एक्सपायर हो गया तो हमें पता चला कि इनकी वजह से ये ऐसा हुआ। जब हम पीजीआई में पहुंचे तो हमें पता चला कि बेटा ठीक हो सकता था, लेकिन ये ड्रिल वाले की वजह से एक्सपायर हुआ हमारा बेटा। हम चाहते हैं कि न्याय मिले और इसकी ये दुकानदारी बंद होनी चाहिए डॉक्टर की। सीधा या तो सीधा बोल दो किसी को भी कि आपके बेटे की ये प्रॉब्लम है, हमारे पास इसका इलाज नहीं, आप कहीं भी इलाज करवा सकते हैं। ये दुकान, ये पैसे खाने का धंधा बंद होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, बंद होना चाहिए हॉस्पिटल इसका। पुलिस में शिकायत की हुई है, शायद पुलिस वाले आएंगे तो इसके वो भी करेंगे। इसका मामला ये है कि 15 तारीख को मुकेश के हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद उसको सीधा ही बच्चों के हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया। उन्होंने बोला कि बच्चे के मुंह में पोटी चली गई है। 5-7 दिन तक तो बच्चा ठीक रहा। इन्होंने हमें 10,000 मांगे तो 10,000 दे रहे हैं, 15 मांग रहे तो 15 दे रहे हैं। उसके हालांकि इनको मैंने सीधा सा बोला कि अगर आपकी समझ में नहीं है तो आप इसको रेफर कर दो। बोला नहीं, आपको और कहीं ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है। इनको मैंने ये भी बोला कि आप बच्चे को पीजीआई में रेफर कर दो या कहीं टांडा में रेफर कर दो, जलंधर में रेफर कर दो। इन्होंने मना किया, इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास जो फैसिलिटी है वो कहीं और नहीं मिलेगी, हालांकि आपके बच्चे की रास्ते में जाते डेथ भी हो सकती है। फिर जैसे हम उधर पहुंचे, 22 तारीख की बात है, 22 तारीख को सुबह 7 बजे के करीब मेरे को फोन आया, बोला कि आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं इधर आ गया तो इन्होंने बोला कि इमरजेंसी में है कि आपका बच्चा रेफर करना पड़ेगा। मैंने इनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बोला नहीं बहुत सीरियस है। तो उसके बाद हमने एट द स्पॉट जो डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, आप रेफर कर रहे हैं तो ठीक है, हम जाएंगे। तो उधर पीजीआई में गए तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा जो है 4 से 5 घंटे हो गए उसको डेथ हुई को, अब आप क्या करना चाहते हैं। फिर उधर पहुंच के उन्होंने मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और उसके बाद हम बच्ची को लेके आ गए। और हालांकि हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो चोर बाजारी चली हुई है ये बंद होनी चाहिए। ये नहीं, हम तो चलो कर रहे हैं, हमारे साथ जो होना था हो गया, पर ये आम आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। बच्ची की मौत का जिम्मेदार यहाँ पे श्री कृष्ण डॉक्टर का आशीष जो डॉक्टर है उसको, क्योंकि उसने हमें बताया नहीं पहले कि मतलब हाँ आपकी बच्चे की कंडीशन खराब है, हम आपकी बच्ची को रेफर करना चाहते हैं। ये एटलीस्ट जब डेथ होगी, डेथ होने के बाद उन्होंने रेफर किया वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, तो इल्जाम इनके ऊपर ना आए। मरे हुए बच्चे को रेफर किया क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने पीजीआई वाले ने बताया कि 5 से 6 घंटे हो गए इसकी डेथ हुई को। तो अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे? अब ये बस इंसाफ चाहते हैं कि हमारे साथ तो हुआ हुआ, पर आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर कोई आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है? पुलिस में शिकायत सब कुछ करेंगे हम, जितना हमसे होगा। वहीं इस पूरे मामले पर निजी अस्पताल के डॉक्टर ने उन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और इलाज में कोई भी कोताही बरतने की बात से सिरे से खारिज किया है। डॉक्टर की माने तो दोनों मामलों में बच्चों की हालत नाजुक थी, जिसकी पूरी जानकारी बच्चों के परिवारों को पहले ही दी जा चुकी थी। ऐसे में उन पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है।
हमारे पास डॉक्टर मुकेश के यहाँ पे एक बेबी की बर्थ हुई थी, बेबी ऑफ इंदुबाला। तो वो बर्थ के कुछ घंटे के बाद हमारे पास यहाँ पे दाखिल किया था हमने। तो शुरू में उसको हमने मैनेज किया वेंटिलेटर के ऊपर, बहुत सिक था, सब कुछ बताया हुआ है जी, सब रिटर्न लिया होता है, इनको बताया है कि बच्चा बहुत सिक है, आगे ले जाने की खुली छूट है। लेकिन इस बच्चे के हार्ट में एक नहीं चार छेद हैं, एक नहीं चार छेद थे, और वो पांचवें छठे दिन जाके छेद अपना वो असर दिखाना शुरू करते हैं और बच्चा एकदम से डिटीरियरेट हो गया। आगे भेजा, आगे इसकी इको टेस्ट हो गया है, इको में क्लियर आ गया है कि चार छेद हैं। तो अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बच्चा जन्म जाती बढ़ने में प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या कर सकते हैं मास्टर? लेकिन एक जो आर्मी के जवान, उनका कहना है कि उनके बेटे को जो है डेड जहां से, सर वो दूसरा बेबी था, वो भी नियर बाय एक अस्पताल में हुआ था। वो बच्चा जो था वो दर्दें लगी थी उनको ज्वाला जी, वहां से वो वाया नदौन होते हुए बड़े लेट पहुंचे थे यहाँ गायनी के एक अस्पताल में, और जब बच्चा पैदा हुआ था तो ऑलमोस्ट डेड था। उसको रिससिटेट किया, 10% उससे बचने की संभावना बताई थी, हैंडीकैपेडनेस की बहुत संभावना थी उस बच्चे में। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चा वो लेट लेके आए थे और गायनी के डॉक्टर ने सब कुछ बताया था। वो भी बच्चा 4-5 दिन मशीन पे रहा, उसके बाद सडन कलैप्स कर गया, उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। इतने सीरियस बच्चा जो वेंटिलेटर पे, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है, उसमें क्या दुख है हमें इस चीज़ का, हमने पूरी कोशिश की। और जहाँ तक डेथ की टाइम है कि 6 घंटे 7 घंटे हो गया, तो पोस्टमार्टम से लगता है पता, नो डाउट जब हमने भेजा था हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, हमने उनको इतना बोला था कि हो सकता है PGI तक भी बच्चा ना पहुंचे, हमने झूठ नहीं बोला था, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी कि हमने, हो सकता है कि रास्ते में गड़बड़ हो जाए। तो अब वो हम मानते हैं कि 6वें दिन के बाद चला गया बच्चा, लेकिन वो एक्सप्लेन्ड था उनको सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया, सांस घुटा हुआ था, खुद वो बच्चे को दर्द दे माँ को लेके, अब ये लास्ट में जरूर आपने ऐड करना है जी, प्लीज डू नॉट एडिट, कि वो बच्चे को दर्द दे लेके 10 घंटे 3-4 अस्पताल घूमते रहे, लेट आए, अब क्या कर सकते हैं जी, दुख है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा दुख।